राजधानी देहरादून में होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के अवसर पर होमगार्ड मुख्यालय में रैतिक परेड का आयोजन किया गया। आयोजित रैतिक परेड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न सिर्फ परेड की सलामी ली बल्कि परेड का निरीक्षण भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा की स्मारिका पुस्तक का भी विमोचन किया। कार्यक्रम के दौरान दो होमगार्ड जवानों के बच्चों को होमगार्ड राहत कोष से छात्रवृत्ति भी दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड्स के लिए चार बड़ी घोषणाएं भी की। इसमें पुलिस जवानों और एसटीआरएफ की तरह ही होमगार्ड स्वयं सेवकों को प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा। और इसी बीच सीएम धामी ने होमगार्ड्स स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे होमगार्ड के जवान हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का भली भांति निर्वहन करते हैं और इसके अलावा जहाँ काम होते हैं वहाँ हम जाते हैं। ऐसे होमगार्ड के कार्य करने की प्रवृत्ति, कार्य व्यवहार और कार्य संस्कार है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य में चारधाम यात्रा हो, कावड़ यात्रा हो, कुंभ यात्रा हो, यातायात व्यवस्था बनानी हो या फिर कोई भी धार्मिक आयोजन हो, इन सभी में होमगार्ड के जवान अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। और ऐसे में बर्फीले स्थानों पर एसटीआरएफ के जवानों को जो भत्ता दिया जाता है उसी तरह की व्यवस्था होमगार्ड के लिए भी की जाएगी। ठीक, मैं सबसे पहले तो आज होमगार्ड स्थापना दिवस पर सभी होमगार्ड्स के सभी जवानों को, सभी अधिकारियों को, सबको मैं बहुत बधाई देता हूं। उनके पारिवारिक जनों को भी बहुत शुभकामनाएं। और हम सब लोग क्योंकि जानते हैं कि हमारे होमगार्ड्स के जवान हर परिस्थिति में और जहां भी हमको उनकी जरूरत होती है वहां पर अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वहन करते हैं। और सच बताऊं तो जहां कम होते हैं वहां हम होते हैं वाली उनकी जो एक काम करने की प्रवृत्ति है, कार्य व्यवहार है, कार्य संस्कार है, निश्चित रूप से वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी चारधाम यात्रा हो, कांवड़ यात्रा हो, कुंभ यात्रा हो, धार्मिक आयोजन हो या विशिष्ट महानुभावों के यहाँ के प्रवास हो या यातायात व्यवस्था बनानी हो, सभी में हमारे होमगार्ड्स के जवान अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, राज्य की व्यवस्था को संचालन में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। हम उनके हर प्रकार से उन्नयन के लिए और जिस प्रकार से अभी जो हमारे बर्फीले स्थानों पर एसटीआरएफ के जवानों को जो भत्ता दिया जाता है हमने कहा है उसी प्रकार की व्यवस्था उनके लिए भी करेंगे आगे चलकर, ये जवान हमारे लिए और अच्छा काम करें उसके लिए जो भी राज्य सरकार की तरफ से हमारे को डीजी होमगार्ड्स के द्वारा भी कुछ बातें कही गई हैं हम उन सभी पर अमल करेंगे और कोशिश करेंगे कि अधिकाधिक उनका प्रोत्साहन हो।